गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। थाउजेंड ईयर्स की बात कर रहे हैं आज अपन। थाउजेंड ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास इसके पहले ज्योग्राफी का और सिविक्स का चैप्टर आ गया था, देन उसकी PDF भी आ गई थी। अब अपन हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकेंड। मैप फर्स्ट वॉज मेड इन 114 CE बाय द अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी। दोनों मैप है जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, ये फर्स्ट मैप है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड मैप नेक्स्ट पेज पे, वॉज मेड इन 114 CE। 114 मतलब 114 CE में, मतलब 1154 CE में, मतलब उस टाइम की बात है ये कि 1154 CE में अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी ने ये मैप बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सारी डिटेल है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब आसपास के जो भी इलाके होते हैं ना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब इलाके होते हैं। ये सारे जो मैप, मतलब इस मैप के अंदर सब कुछ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में और पूरी डिटेल भी दे रखी है। मैप टू वॉज मेड इन 1720s। मैप जो टू है वो कब बना था, 1720 में बना था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं, जो मैप बनाते हैं, जो मैप देखते हैं, इनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू आउट दे आर मैप ऑफ सेम एरिया। ये दोनों ही मैप बहुत थोड़े डिफरेंट है पर दोनों ही सेम एरिया के। इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड साउथ इंडिया। अल इदरीसी ने क्या करा था, मैप को थोड़ा सा उल्टा बना दिया था, जो साउथ की जगह पे नॉर्थ कर दिया था और नॉर्थ की जगह पे साउथ कर दिया था। श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। प्लेस नेम्स एंड मार्क इन अरेबिक। ये देखिए आपका सेकेंड मैप है। अल इदरीसी से मतलब ये गलती हुई थी, फर्स्ट मैप जो उन्होंने बनाया था उन्होंने क्या करा था, नॉर्थ की जगह पे साउथ कर दिया था, साउथ की जगह पे नॉर्थ फाइंड कर दिया था। ये सेकेंड मैप है आपका। एंड देयर आर सम वेल नोन एज नेम्स लाइक कन्नूज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन मैप ऑफ कन्ना जी। मैप टू वॉज मेड इन नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। मतलब जब मैप फर्स्ट बना था उसके 600 साल बाद कौन सा मैप बना था, मैप सेकेंड बना था। ड्यूरिंग द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस इन द कोस्टल एरियाज, इन पर्टिकुलर आर डिटेल्ड। दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स। यूरोपियन जो सेलर्स होते हैं ना, जो मतलब अपना सामान इधर से उधर बेचते हैं, उनको हम सेलर्स बोलते हैं। और मर्चेंट्स होते हैं, वॉयजेस होते हैं। वॉयजेस मतलब होती है यात्रा। तो मतलब जो इधर से उधर मैप उनके लिए क्यों यूज आते हैं, जब वो यूरोपियन सेलर्स होते हैं, वो अपना सामान इधर से उधर गुड्स सर्विसेज एक इलाके से दूसरे इलाके लेके जाते हैं, जब वो यात्रा करते हैं, है ना, जो व्यापारी सब होते हैं, तो उनके लिए मैप बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो वो कैसे इधर उधर का मतलब जो भी होगा वो सब कैसे देखेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है। और आप इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए मैप बनाए गए थे। फर्स्ट मैप कब बना था, 1154 में, और सेकेंड मैप बना था 1720 में। ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Equally important is the fact that the science of cartography different in two periods. When historians read documents, equally important मतलब क्या है कि जो हमारी जो साइंस है, जो कार्टोग्राफी है, वो अधिकतर दो पीरियड में बटी हुई है। हिस्टोरियंस को मतलब ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ये पास्ट के बारे में उनके पास इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होती है। उनको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। उनको इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है, मैप से, इन सब चीज़ों से ही उन्हें हेल्प मिलती है, जिसके बारे में वो पास्ट के बारे में जान पाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है कि पुराने समय और अभी के समय में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट चेंज एंड लैंग्वेज एंड मीनिंग। लैंग्वेज और मीनिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब कोई चीज़ अपन प्रशस्तीज होता है ना, जिस तरीके से वो एक तारीफ होता है, पर जब अपन कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, कोई अपन ने जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, तो वो फिर आपके फ्रेंड ने, दूसरे ने लिखा, फिर वो तीसरे ने लिखा, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में, मीनिंग्स में बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। इतने सालों की बात है तो चेंजेस तो आएंगे।
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. मतलब इतने सालों बाद में जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वही सारी चीज़ पास्ट की जानकारी लिखता है तो कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस में है ना मीनिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं. जैसे जो मेडिवल पर्शियन था, पर्शियन ईरान का पुराना नेम है. जो मेडिवल पर्शियन है, जैसे एग्जांपल मीन्स डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. जैसे उसको पहले क्या बोलते थे, मेडिवल पर्शियन बोलते थे, पर अब उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पर्शियन बोलते हैं. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ग्रामर एंड वोकैबुलरी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम. बहुत सारे मीनिंग्स जो होते हैं वर्ड्स के, वो ओवर द टाइम मतलब इतने सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. पर्शियन क्या था, ईरान का पुराना नेम था, ठीक है, मेडिवल पर्शियन, और इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, और अब क्या हो गया है, वो मॉडर्न पर्शियन हो गया है. ठीक है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल. टुडे वी अंडरस्टैंड इज इंडिया. जैसे पहले हम क्या बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं. द मॉडर्न नेशनल स्टेट. नेशनल स्टेट मतलब क्या हो जाए, देश की ज्योग्राफी बाउंड्री, देश की बाउंड्री कि इतना इतना देश हमारा है, उसकी बाउंड्री को हम नेशनल स्टेट बोलते हैं. When the term was used in the 13th century by Minhaj e Siraj, a chronicler who wrote in Persian. 13th century में by Minhaj e Siraj ने, chronicler थे वो, जो history के बारे में लिखते हैं उसे हम chronicler बोलते हैं. उन्हें Persian में लिखा था. He meant the areas जैसे पंजाब, हरियाणा and the lands between गंगा and यमुना. He used the term in a political sense for lands with dominions of Delhi Sultan. मतलब दिल्ली सुल्तान के बारे में उन्होंने बताया था कि ये सारे जो एरियाज है इसमें उन्होंने मिन्हाज सिराज का ही पूरा ये जो एरिया है उन्हीं के अंडर में है. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड द साउथ इंडिया. बट उन्होंने साउथ इंडिया को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था. इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी. 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करा था ज्योग्राफी में. द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स. फौना मतलब क्या होता है, जो जानवर होते हैं उसके बारे में. एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट. हैबिटेंट मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाला लोग होते हैं उनको हम इनहैबिटेंट बोलते हैं. ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मतलब वहाँ के इलाके के लोग. एज वी विल सी चैप्टर नेक्स्ट, दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको और डीपली भी पढ़ेंगे. वाइल द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंट्री लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टूडे. हिस्टोरियंस हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. हिस्टोरियंस क्या है, मतलब बहुत केयरफुल इन टर्म्स के लिए रहते हैं क्योंकि जो मीनिंग्स होते हैं इनके बहुत सारे डिफरेंट होते हैं पास्ट के. मतलब बहुत मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी बहुत सारी हिस्टोरी की जो पास्ट की चीज़ें होती है वो बहुत सारी आते आते तक मॉडर्न पीरियड तक बहुत कुछ चेंज हो गया. बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल टाइम फॉरेनर. जैसे फॉरेनर हम किसको बोलते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं उसे हम फॉरेनर बोलते हैं. ठीक है, इतना तो आप समझते हैं. पर जो मेडिवल पीरियड के लोग, जो मेडिवल पीरियड के लोग थे वो फॉरेनर किसको बोलते थे, किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी अजनबी को वो फॉरेनर बोलते थे. कोई भी जैसे एक गांव से दूसरे गांव का भी, और वो दूसरे मतलब उनको जिसको नहीं जानते, जैसे आपके गांव का है और आप जैसे आपके पास वाली कॉलोनी है और आप उस इंसान को नहीं जानते, तो ये लोग उसको भी फॉरेनर बोलते थे. पर अपन किसको फॉरेनर बोलते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं. ठीक है, अ सिटी ड्वेलर देयर फॉर माइट हैव रिगार्डेड टू बी फॉरेस्ट ड्वेलर. जो सिटी ड्वेलर वाले लोग थे वो फॉरेस्ट ड्वेलर वाले लोग थे, उनको भी फॉरेनर बोलते थे. बट टू पीजेंट्स लिविंग द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन थ्रू दे मे हैव डिफरेंट हेड रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड्स. जैसे दो किसान हैं वो एक ही विलेज के हैं, बट वो कोई फॉरेनर नहीं हुए ना, जैसे क्योंकि उनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अलग बैकग्राउंड्स हैं, बट वो एक दूसरे से मतलब एक गांव में तो रहते हैं. बट ये लोग क्या करते थे, उनको भी फॉरेनर बोलते थे, भले ही वो एक ही गांव के हो और दो किसान मतलब हो, पर उनके डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड्स अलग है, इसलिए उन्हें भी फॉरेनर बोलते थे, फॉरेनर डेराइव करते थे. उस वक्त की बात है. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जो बहुत अलग अलग टाइप्स के सोर्सेज मतलब याद करने के लिए, पास्ट को याद करने के लिए, बहुत सारी अलग अलग स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन. आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड ईयर. पर अपन इस बुक में
थाउजेंड या हजारों सालों की बात कर रहे हैं, कब से कब तक की, 700 से 1750 सीई तक की बात कर रहे हैं। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अपन इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरियंस के बारे में, पास्ट के बारे में जानने के लिए स्टडी कर रहे हैं। दे विल रैली अब कॉइंस, अब उसके बारे में ये लोग जानने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, किस कैसे पहचान करते थे हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें क्या है, कॉइन्स से पता करते थे, इंस्क्रिप्शन से पता करते थे, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स होती थी, डिज़ाइंस होती थी उनसे पता करते थे, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से ही तो पता लगाते थे पास्ट के बारे में। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकम अ चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। देखिए आपको यहाँ पर एक पास में इसमें ब्लॉक नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब इसमें यही बताया गया है कि जैसे इमारतें होती है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, कॉइन्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसी से ये लोग स्टडी करते थे पास्ट के बारे में। अब अपन ये नॉर्मल ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसको पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ पेपर, इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वॉन्टेड टू कॉपी अ बुक, he did not have enough paper, so he washed the writing of a manuscript, he did not want to write up the paper and used it। मिडिल 13th सेंचुरी में क्या होता था कि जो बुक्स होती थी उन्हीं को ये लोग कॉपी करते थे, मतलब जैसे मैंने पूरी बुक लिखी तो उसी को आप पूरी कॉपी कर रहे हैं इस हिसाब से। सो ही वॉश द राइटिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती है उसको ये लोग वॉश कर देते थे, हटा देते थे, और ड्राइड पेपर, उस पेपर को सुखा के उसको वापस से यूज़ कर लिया करते थे। मतलब उस टाइम इतनी सारी चीज़ों की कमी थी तो ये लोग क्या क्या करते थे, अपने को कितना कुछ पता पड़ता है हिस्ट्री से। पीपल इज़ यूज टू राइट होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट मतलब जो क्रिश्चियन लोगों की बाइबल्स होती है ना, और जो मुस्लिम लोगों की कुरान होती है, अपनी हिंदू लोगों की जो भगवद गीता होती है, रामायण होती है, क्रॉनिक, इसके बारे में लोग जानते थे, पता करते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स है ना, क्रॉनिकुलर्स मतलब क्या होता है, जो मतलब राजा लोग रहते थे उनके बारे में पता करते थे। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंस, खत लिखे जाते थे साधु लोग जो रहते थे उनके बारे में। ज्यूडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, फ्रॉम द रजिस्टर एंड अकाउंट एंड टैक्सेस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द वेल्थी पीपल, जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो क्या कौन कलेक्ट करता था, वेल्थी पीपल कलेक्ट करते थे। रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, मतलब मोनास्ट्रीज क्या होती थी, मोनास्ट्रीज मतलब क्या होता था कि जो मतलब इन्फॉर्मेशन जिसमें रहती है उसको हम लोग मोनास्ट्रीज बोलते हैं। जो रूलर्स रहते थे, टेंपल्स रहते थे, इन सब के बारे में भी ये लोग सब जानकारी इकट्ठी करते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स, आर्चिव्स मतलब सारे डॉक्यूमेंट कायम रखते थे। आर्चिव्स मतलब समझते हैं ना, एक पूरा एक जैसे बोलते हैं ना कि पूरा रूम सिर्फ पढ़ाई का है, लाइब्रेरीज का है, आर्चिव में जहाँ पर अपन सारी रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके रखते हैं उसको आर्चिव्स बोलते हैं। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लोड ऑफ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट सारे डॉक्यूमेंट अपने को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आज अपन पढ़ रहे हैं। टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़, देयर वॉज अ नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो रहती नहीं थी। सो स्क्राइब्स इन्फॉर्मेशन कायम उतारते थे, स्क्राइब मीन्स होता है कि इन्फॉर्मेशन को उतारते थे, मतलब एक से दूसरी कॉपी करते थे हैंड बाय हैंड। If you want ever copied a friend's homework, जैसे आप अपने friends का homework करते हैं ना इसी तरीके से। Sometimes you cannot read your friend's handwriting, कभी कभार क्या होता है आपको अपनी friends की handwriting समझ में नहीं आती, बट आप guess करके कुछ भी लिख लेते हैं, तो उसका result क्या होता है कि कुछ भी छोटी चीज़ होती है अगर वो गलत भी होती है तो वो दूसरी की जो अपन लिखते हैं उसमें भी अपनी कॉपी में गलत हो जाता है। इसी तरीके से इनके जो manuscripts होते थे जो लिखते थे, और अगर इनको थोड़ी सी भी राइटिंग समझ में नहीं आती थी और जो दूसरा वो उसको हैंड रिटन करता था तो उसमें वो गलतियाँ आ जाती थी, और आगे 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 वो गलतियाँ चलती जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवॉट सिमिलर एज स्क्राइब्स कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट, दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस तो आ ही जाते थे। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज, ये सालों साल तक छोटे छोटे चेंजेस तो चलते ही थे। मतलब जो ये देखिए इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसमें बताया है, देखिए ये फिगर टू में इम्पॉर्टेंट है कि जो ये इसमें लिखा है ना, शिकास्ते एंड नश्ती, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है, मतलब राइटिंग के फॉर्म्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग है। सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम अनादर, मतलब एक से दूसरे की राइटिंग में बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, वो एक से दूसरे लिखते थे तो उसमें थोड़े बहुत कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आ ही जाते थे। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टूडे, मतलब जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको तो मतलब अभी तक संभालना, मतलब आप भी समझ सकते थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हजारों सालों पहले की सब बातें हैं ये।
वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज. अपन काय पे डिपेंड रहेंगे, उनकी कॉपीज पे डिपेंड रहेंगे जिसने स्क्राइब्स कर रखा है, मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन जो उतारते हैं स्क्राइब्स उनको कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उतारते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं. तो जो स्क्राइब्स करते थे, वो जो कॉपी करते थे, उन्हीं पे हम डिपेंड रहते थे. ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एंड डिफरेंट टाइम्स. द 14th सेंचुरी क्रॉनिकुलर जियासुद्दीन बरानी, 14th सेंचुरी में कौन थे, जियासुद्दीन बरानी थे. उनने क्रॉनिक लिखा था सबसे फर्स्ट टाइम 1356 में. अनादर वर्जन उसका अनादर दूसरा वर्जन कब लिखा था, 2 साल बाद. कब लिखा था, 1971 में. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1971. इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन. मतलब उनका इतने टाइम बाद, मतलब पहला उनने 1356 में लिखा था, फिर उसके 2 साल बाद उनने दूसरा वर्जन लिखा था उसका, ठीक है, 14th सेंचुरी में क्रॉनिकुलर ने. क्रॉनिकुलर किसको बोलते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं. तो जियासुद्दीन बरानी ने लिखा था 1356 में फर्स्ट वर्जन, और उसका दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा था. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750. इतने सारे चैलेंजेस उसके बीच में आए होंगे. स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट में भी बहुत सारे चेंज आए, पीरियड्स में भी बहुत सारे चेंज आए, अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंज आए. जैसे जो आपको पता है ना, 700 से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, इतने 1000 ईयर्स की. तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो पर्शियन व्हील है वो कब किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था. तो देखिए हिस्ट्री हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर्शियन व्हील जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जो पर्शियन व्हील है ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इरिगेशन के लिए सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. स्पिनिंग व्हील यूज़ किया गया था वीविंग के लिए, बुनाई के लिए. एंड फार्म्स आर इन कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट मतलब होता है गोला बारूद यूज़ की गई थी उस टाइम फायर आर्म्स के लिए. न्यू फूड्स एंड बीवेजर्स, बीवेजर्स मतलब होता है जो पीने की चीज़ होती है उसे बीवेजर्स बोला जाता है. अराइव टू द सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम क्या क्या चीज़ों की खेती की गई थी, पोटेटोज की, कॉर्न की, चिलीज की, टी की और कॉफ़ी की. रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज एज वेल एज वेल. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. बहुत सारे पीरियड में इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड भी, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड, सोशल से भी रिलेटेड और कल्चर से भी रिलेटेड बहुत सारे चेंज आए. तो आपके लिए मैंने इसमें 2-3 चीज़ आपको मेन बताई है, पर्शियन व्हील की, स्पिनिंग व्हील की और नए फूड्स की, फायर आर्म्स की, कॉम्बैक्ट की, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे लोग मतलब बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते थे, किसकी सर्च में, अपॉर्चुनिटी की सर्च में. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमल्स एंड वेल्थ पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. राजपूत जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जो राजपूत है वो नेम डेराइव कैसे हुआ था, राजपुत्र से राजपूत हुआ था. और राजपुत्र किसको बोलते हैं, जो सन ऑफ रूलर, राजा का जो बेटा होता है उसे राजपुत्र बोला जाता है. बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ बॉडी ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्चीज ऑफ ऑल द सब कॉन्टिनेंट. अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी. लॉयल्टी मतलब क्या होता है, वफादारी, और वैलर मतलब क्या होती है, साहसी, वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत ऑफ द पोएट्स एंड बार्ड्स. अदर जैसे दूसरे ग्रुप रहते थे, जैसे मराठा है, सिख है, जाट्स है, अहोम्स है, क्षत्रियस है ना, ये सब क्या करते थे, जो इनकी स्क्राइब्स होती थी और सेक्रेटरीज होती थी. ऑल्सो आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, ठीक है, मतलब दूसरी दूसरी चीज़ों में इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, पॉलिटिकली में भी इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. अदर ग्रुप्स जो इनके पीपल्स और राजपूत का सबसे ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज में रहा है, राजपूत को सबसे ज़्यादा मिली गई है, और इन सारे सरनेम से इनको भी मिली गई पर राजपूत को सबसे ज़्यादा मिली गई है. थ्रू आउट दिस पीरियड देयर इज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट से रिलेटेड मतलब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे नए नए चेंजेस आए थे. एंड अ चेंज फास्टर टू मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड भी वहाँ पर बहुत सारे नई चीज़ें ग्रेजुअल चेंजेस आए थे, उनके कारण क्या होने लगा था, कम्प्लीट देन अदर्स चेंजेस इन देयर हैबिटेट.
फोर्स मैनी फॉरेस्ट ज्वेलर्स टू माइग्रेट, जो वहाँ के फॉरेस्ट ज्वेलर थे, जो गांव के लोग थे, वो माइग्रेट होने लगे थे. माइग्रेट मतलब जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह पर जाना, माइग्रेट होने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या फॉरेस्ट का काम चल रहा था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम चल रहा था. अदर्स स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स. देन न्यू पीजेंट्स ग्रुप ऑफ ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीप्टन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. दे बिकम अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड अदर गुड्स. अब इन लोगों से भी पीजेंट्स और इन लोगों से भी ये लोग टैक्स लेने लगे थे, जो लोकल लॉर्ड्स थे वहाँ के, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए गुड्स एंड टैक्स के लिए भी जो भी मतलब सर्विसेज थे उनके टैक्स लेने लगे थे. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट बिकॉन इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस. इससे क्या पैसे से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस आने लगा था. अमीर लोग बहुत अमीर थे, गरीब लोग बहुत गरीब थे, इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा था. पीजेंट्स के बीच में भी, कैटल रियरिंग में, इन सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर रियरिंग में, इन सब चीज़ों में भी बहुत सारा चेंजेस आने लगा था. जाति और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस. जाति में भी बंटवारा होने लगा था, मतलब कि जैसे एक ही गांव में हैं बट एरिया टू एरिया अलग अलग, मतलब उनमें भी क्या होने लगा था, बंटवारा होने लगा था, कास्ट से रिलेटेड भी, बैकग्राउंड से रिलेटेड भी. जाति फ्रेम देयर ओन रूलर्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. दिस रेगुलेशन वर इम्पोज्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत. बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चीफ्टन. बहुत सारे जो विलेजेस थे वो कौन गवर्न करता था, चीफ्टन गवर्न करते थे. एंड दे वेंट अप वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट, मतलब एक छोटी स्मॉल यूनिट में ही बट एक स्टेट उन्होंने पूरा अपने हिसाब से कर लिया था. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रीजन एंड एम्पायर. रीजन में, एम्पायर में, राज्य में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ. लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, चैप्टर चोलास के बारे में अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. तुगलक्स के बारे में अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. मुगल्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. अलग अलग बहुत सारे रीजन से असंस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब क्या होता है, तारीफ करना, तारीफें लिखना, उसके बारे में भी अपन चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन. गियासुद्दीन बलबन जब थे तो 1286 से 87 तक उन्हीं का राज रहा था. एंड उनका बहुत वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ी तरीके से एम्पायर रहा, बंगाल से लेकर, बंगाल के ईस्ट से लेकर गजनी, गजनी कहाँ आता है, अफगानिस्तान के वेस्ट तक उनका पूरा राज फैला हुआ था. साउथ इंडिया का द्रविड़ तक भी उनका राज फैला हुआ था. पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन, गोदा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली बिफोर हिज आर्मीज. मतलब जो इसमें अपने अपने को ये याद रखना है कि जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन थे, जिनका राज 1286 से 1287 तक रहा है, कहाँ कहाँ तक रहा उनका राज, बंगाल के ईस्ट से लेकर गजनी के, गजनी जो अफगानिस्तान में, वहाँ के वेस्ट तक, और उसमें इंक्लूड भी क्या है, साउथ इंडिया का द्रविड़ तक भी इंक्लूड है. रिगार्ड दिस क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लाइमिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मतलब इन्हें अच्छा खासा आसपास के इलाकों में भी बहुत सारा कॉन्टिनेंट, बहुत सारा इलाका जो था मतलब इनके अंडर में था. अब देखिए जो ये बॉक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये बताया गया कि 1318 में जो पोएट थे अमीर खुसरा, उन्हें बताया है कि डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन, हर अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन में जैसे चलती है, जैसे सिंधी चलती है, लाहौरी चलती है, कश्मीरी चलती है, द्वार मुद्री चलती है जो साउथ कर्नाटका में चलती है, तेलंगानी चलती है जो आंध्र प्रदेश में चलती है, गुजरी चलती है जो गुजरात में चलती है, माँबारी चलती जो तमिलनाडु में चलती है, गौरी चलती है बंगाल में, अवधी चलती है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदावी चलती है दिल्ली के अंदर. तो अमीर खुसराव वेंट टू वन ऑन टू एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस लैंग्वेजेस, दिस वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप मतलब खुद सोचिए कि इतनी सारी लैंग्वेजेस के बारे में इसमें कहीं संस्कृत का कुछ भी नहीं नाम है. संस्कृत लैंग्वेज किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती, किसी भी रीजन में संस्कृत लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं चलती, जबकि संस्कृत भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है. पर जो कॉमन पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, मतलब जो अपन लोग जैसे हैं, तो ये अपन लोग इसके बारे में, संस्कृत के बारे में इतना नहीं जानते. इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं. तो ब्राह्मण ही संस्कृत के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, ये अमीर खुसराव ने बताया है. और कॉमन लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते. और कि संस्कृत किसी भी रीजन में नहीं चलती है लैंग्वेज. जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि इतनी सारी लैंग्वेज इन स्टेट में चलती है, पर संस्कृत किसी भी स्टेट में नहीं चलती है.
By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics. मतलब 700 तक पता लगा था, मतलब हमें ये ज्योग्राफिकल डायमेंशन के बारे में, ओन लैंग्वेजेस के बारे में. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 9. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रूलिंग डायनेस्टीज. दे वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट्स. ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक जैसे चोलास है, खलजी से, तुगलक है, मुगल से, और बिल्ड इनने भी बहुत बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े किए हैं. देर वॉज अ पैन रीजनल. पैन रीजनल मतलब होता है कि अपना राज कितना फैला हुआ, जहाँ तक फैला जाता है पूरा राज्य, मतलब अपने मतलब कि अपने पूरा जो इलाका, अपन अपनी तरफ से पूरे इलाके में जो एक ही राजा शासन करता है, एक ही राजा का पूरा अधिकार होता है, उसको हम पैन रीजनल बोलते हैं. स्पेनिंग नॉट ऑल ऑफ दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. इतने सारे बहुत सारे एम्पायर थे पर कोई भी इसमें से स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रहा. चैप्टर नंबर 3 और 4 में अपन इसको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी इज लेड टू बी री इमर्ज ऑफ द रीजनल स्टेट्स चैप्टर नंबर 10. बट ईयर्स ऑफ एम्पीरियल पैन रीजनल रूल. मैंने आपको बताया था पैन रीजनल मतलब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही राजा का अधिकार रहना, उसको पैन रीजनल बट ईयर्स ऑफ एम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैज अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. द रीजन्स वॉज लेफ्ट बाय लेगेसीज was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance and the management of the economy. मतलब इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा पैसे से रिलेटेड बहुत ध्यान दिया जाता था. एलाइट कल्चर्स मतलब होता है कि राजा वहाँ पर किस तरह से रहते थे, उनकी लैंग्वेज किस तरह से थी. 1000 ईयर्स 700 से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है. और डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, मतलब कि ग्रोइंग का जो भी डिफरेंट रीजन रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है. दे फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज एंड पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ द इंटीग्रेशन एंड वाइट क्वाइट द डिस्टिंक्टिवनेस. मतलब इसमें हम लोगों को पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि राजा का राज वहाँ पर किस हिसाब से चलता था, इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ रहा था, राजा किस तरह से वहाँ पर रहते थे, और सब कॉन्टिनेंट उसके आसपास के इलाकों में, स्मॉल स्टेट्स में, बिग और स्मॉल स्टेट्स में कितनी क्या उनकी लेगेसीज उनने फैला रखी थी, कितने क्या जगह पे रूल इमर्ज कर रहा था, यही हमको इसमें बताया है. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं. द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन्स ट्रेडिशंस. 1000 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ रहे तो बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट और रिलीजन्स ट्रेडिशंस में सब में फ़र्क आया है. पीपल बिलीव इन द डिवाइन. पीपल कौन मतलब जो लोग थे वो डिवाइन पे बहुत बिलीव करते थे. डिवाइन मतलब ईश्वर पे बहुत बिलीव करने लगे थे, बहुत विश्वास करने लगे थे, उनसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट वॉट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट कुड वॉट वी कॉल हिंदूज में टूडे. दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज. डिटीज मतलब क्या होता है, जो देवी देवता होते हैं उन्हें हम डिटीज बोलते हैं. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण. ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी. प्रीस्ट एंड डोमिनेंट्स ग्रुप्स एज सोसाइटी. डोमिनेंट्स ग्रुप बन गए थे सोसाइटीज में. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. क्योंकि ब्राह्मण की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उन्हें संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्न कर रखा था, संस्कृत का बहुत सारा नॉलेज था. एंड सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रोन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. पैट्रोन्स किसको बोलते हैं, जो न्यू रूलर्स होते हैं, नए रूलर्स होते हैं, जो सर्चिंग किसके करते हैं, प्रेस्टीज की सर्चिंग में रहते हैं, उन्हें हम पैट्रोन्स बोलते हैं. तो हमने रिलीजन्स के बारे में पढ़ा. रिलीजन्स मतलब देवी देवता, भगवान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा कि लोगों को उस वक्त भी बहुत विश्वास था ईश्वर पे, बहुत डीटीज थी देवी देवताओं पे, बहुत ज़्यादा भरोसा था ब्राह्मण की, उस वक्त बहुत रिस्पेक्ट थी. यही सब हमने इसमें यहाँ पर पढ़ा, ठीक है. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन वी न्यू रिलीजन्स अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया इन द 7th सेंचुरी. मर्चेंट और जो माइग्रेंट थे वो फर्स्ट मतलब पहले लोग ऐसे थे जो होली कुरान मतलब इंडिया में 17th सेंचुरी में लेके आए थे. मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी एट वन ऑफ गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी इम्बैलेंस. इनके इतने सारे वर्ड्स अलग अलग भी थे जो सोशल बैकग्राउंड में इन सब में इन्हें अपने हिसाब से मतलब एक्सेप्ट किए थे. मैनी रूलर्स वर पैट्रोन्स ऑफ इस्लाम एंड उल्लामा. इस्लाम एंड उल्लामा, इस्लाम को क्या बोलते थे लोग, उल्लामा भी बोलते थे. लर्न थियोलॉजिस्ट एंड जूरिडिस्ट. जूरिडिस्ट मतलब होता है धर्म कानून. एंड लाइक हिंदू इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेटेड इन द वेराइटी ऑफ फेस
by its followers. There was a Shia Muslims who believed that the prophet, prophet मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म की जिनने स्थापना करी थी वो कौन थे, प्रॉफेट थे, प्रॉफेट मोहम्मद, उनने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ये इसमें पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने करी थी। और ज्यूरिसडिक्शन मतलब धर्म कानून होता है, इन लोगों ने इनके हिसाब से इस्लाम मतलब उल्लमा इन लोगों ने अपने अपने मतलब धर्म कानून के बारे में बताया है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी उसके बारे में बताया है, इनकी कितनी रिस्पेक्ट और सब कुछ था कम्युनिटी के से रिलेटेड। तो इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी हमें इसके बारे में बताया है इस पूरे पैराग्राफ में, कम्युनिटी के बारे में बताया गया है ना। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स एंड लॉ एंड द थियोलॉजी ऑफ मिस्टिक ट्रेडिशंस के बारे में बताया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम के बारे में लोग कैसे पता लगा लेते थे, पीरियड्स के बारे में कैसे पता लगा लेते थे। तो हिस्टोरियंस डिड नॉट सी टाइम, वो कभी टाइम नहीं देखते थे, वो आवर्स से मतलब घंटों से दिनों से सालों से पता लगा लेते थे, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, उनके पास कोई क्लॉक और कोई कैलेंडर्स नहीं थे। दिस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बड़े बड़े सोशल इकोनॉमिक पेशों से रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते थे, नए नए आइडियाज़ बिलीव्स में चेंजेस आते थे, उस हिसाब से भी ये लोग टाइम का पता लगा लेते थे। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन टू 3 पीरियड्स। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सोचा था कि अपन इस इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। पर ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं था, ये हिस्टोरिकल चेंज बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जो जैन बुद्धिस्म ये भी होते हैं, तो अपन तीन चीज़ों में अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ही रह जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो ये आइडिया उनका मतलब अपने हिसाब से सही नहीं था। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movement past के बारे में इन लोगों ने पता करा, hunter gatherers, early farmers, people in town और villages में, early empires में, kingdoms में जो भी रहते थे, मतलब उस वक्त 7th क्लास जो होती है, 7th क्लास में हमेशा मेडिवल पीरियड चलता है, 6th में एंशंट पीरियड चलता है और 8th में मॉडर्न पीरियड चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिवल पीरियड के इन लोगों को कुछ आता नहीं था, इन तीनों पैराग्राफ में इसके बारे में यही बताया गया था। पर अपन ने एक टाइम को मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड करा था, तो जो अपन सबसे पहला टाइम होता है, जो सबसे पुराना टाइम होता है उसे हम एंशंट पीरियड बोलते हैं, बीच का जो टाइम होता है उसे हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं, और लास्ट का जो टाइम होता है उसे हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करा था, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो अभी अपन जो 7th में वो हम मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। मॉडर्निटी कैरीज द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। 8th क्लास में जो मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं उसमें हम इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं, 7th में हम मेडिवल पीरियड बीच के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और एंशंट में हम सबसे पुराना समय पढ़ते हैं। तो लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड यू कैन सी व्हाट एल्स हैज चेंज और रिमेंड द सेम। पूरे टाइम में मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, कौन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या इलाकों में क्या क्या चेंजेस आए, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में क्या क्या चेंजेस आए, इस पूरी बुक में अपन ये पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल प्रोग्रेस कैसे हुई है किस समय से ट्राई एंड कंपेयर करेंगे, और सारे चेंजेस के बारे में अपन ने पढ़ा है। हिस्ट्री को हमने तीन हिस्सों में बांटा है, तो अपन अभी मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें यही बताया गया। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी PDF में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।